हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी चैनल पे नया हो करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को इम्प्रेस कर दिया करे ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और आज आप लोगों की 12 नंबर की क्लास है, और जो आप लोगों ने अगर पीछे की क्लासे नहीं देखी है तो उनकी पीछे की क्लासे देख के आप लोगों को समझ में आने लगे। तो टॉपिक वाइज बिल्कुल चलती हुई जाके यूनिट प्लेलिस्ट बनी हुई आप लोग देख सकते रहते हैं। तो आज हम एग्रीकल्चर यूनिट पढ़ेंगे जाके। द टर्म एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड प्रमोट टू लेटिन वर्ड। मतलब एग्रीकल्चर जो वर्ड था लेटिन वर्ड था। एग्री का मतलब सोयल होता है, कल्चर का अर्थ होता है कल्टिवेशन करना। कल्टिवेशन ऑफ सोयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर क्या कह सकते हैं, कल्टिवेशन ऑफ सोयल इज कॉल्ड। कल्टिवेशन ऑफ सोयल इज कॉल्ड क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। आगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन विच मेक्स ऑफ यूज लो कास्ट इनपुट है। मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, एक बनाने की लो कास्ट इनपुट है। लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेंटेन सो क्वालिटी ऑफ इकोलॉजिकल हार्मोनी। एफ ओ 1989 में पूछा गया था। मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम पैसे में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके सोयल फर्टिलिटी को सुधारने के लिए और जिसे इकोलॉजिकल सिस्टम भी अच्छा रहे इसके लिए कर रहे हैं। इट इज आल्सो ने जो इकोलॉजिकल फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग सब चीज एक ही है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या लैंड रोटेशन या झूमिंग क्या आता है, मतलब द प्रोडक्टिविटी ऑफ सोयल इज लॉस्ट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम सेम क्रॉप्स जनरली राइस ऑन द सेम फॉरेस्ट लैंड एयर आफ्टर द क्रॉप इज शिफ्टेड ओवर द ब्यूरनेट लैंड इज द केसेस ऑफ सोयल इरोजन। इज द केसेस ऑफ सोयल इरोजन इज द प्रेटिसाइड ऑफ झारखंड एमपी हेली एरियाज ऑफ द नॉर्थन स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब रिस्पॉन्स फार्मिंग क्या है, रिस्पॉन्स फार्मिंग हमारी ऐसी फार्मिंग होती जाके सेट बेल्ट 1980 में कोनेट द टर्म्स बेस ऑफ द एनालिस ऑफ वेदर डाटा इट इफ रिफ्रेश ऑफ द प्रेडिसेशन ऑफ मानसून सीजन रेनफेल बेस्ड ऑन द एनालिस ऑफ वेदर डाटा ऑफ प्री मॉनसून पीरियड एंड मैंगेज क्रॉप अकॉर्डिंग। प्रिसिशन फार्मिंग सीड स्पेसिफिक फार्मिंग क्या है, द टारगेट स्पेसिफिक यूज्ड फार्मिंग लाइक सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट एंड लोकलाइज होता है। एडवांटेज ऑफ प्रिसिशन फार्मिंग क्या है, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस कंजर्वेंस रिसोर्स। उसके आगे एडोटोटाइप्स मॉडल प्लान, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडोटोटाइप्स विच गिवन ऑफ डोलैंड इज 1968। जब 1968 द सिंगल प्लांट वुड गिव इन द बेटर रिजल्ट इन अ ग्रुप व्हेन द क्रॉप हैज एट लास्ट कंपटीशन विद द गेम टाइप ऑफ द क्रॉप्स। जो भी स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम से उनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है वो हमारे साथ जुड़कर अच्छी प्रिपरेशन कर सकते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जाके। पूरी बुक का सोल्यूशन इसी चैनल पर कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, धन्यवाद। आगे देखेंगे एडोटोटाइप्स इज अ कॉल्ड मॉडल प्लांट विच आर मेनी डिफाइंड ए बायोलॉजिकल मॉडल विच आर द एक्सपेक्टेड ऑफ प्री फॉर्म ऑफ द बिहेवियर प्रेडिक्टेबल मैनर विद डिफेंड इन्वायरमेंटल। कोई भी शब्द होता है जो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग समझ सकते रहते हैं। टू टेरा फार्मिंग क्या, टू डेवलप ऑफ द मार्स प्लांट्स अकॉर्डिंग टू अर्थ ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड टेरा फार्मिंग। एट प्रेजेंट बैक्टेरिया एंड प्लांट्स आर बींग इन डिप्लोमेंट बाई क्राइटिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ मार्स इन द अर्थ। हाइड्रोपोनिक्स क्या, हाइड्रोपोनिक्स होता है मतलब जल में पौधों को उगाना। ग्रोविंग ऑफ प्लांट अंडर सोइल लेस कंडीशन अब कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। सोल्यूशन कल्चर इज बीइंग यूज्ड टू रेजिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स होम्स होता है। रिस्पॉन्स कर्व क्या होता रहते हैं, सुजेस्टेड बाई हॉलिडे 1960 द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन इन यील्ड। टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स कर्व एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स का वेयर एंट्री ड्राई मैटर इज द इकोनिक
इकोनॉमिक प्रोडक्ट इज द केस ऑफ द फोडर क्रॉप्स आर मोस्ट ऑफ ड्राई मैटर इन द तंबाकू। उसके बाद इन मेंसरीज प्लांट डेंसिटी विद द इंक्रीज यील्ड द सीरियल क्रॉप्स ऑफ फूडर। पैराबोलिक क्या है, आफ्टर रिंचिंग ए लेबल इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विद द डिक्रीज यील्ड। वाइड स्पेस बिटवीन द प्लांट सीरियल्स पल्स ऑफ प्रोग्राम पर्पस। अब क्वाड्रेटिक रिस्पांस वाई क्या, ए प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर होता रहता। लाइनर रिस्पांस वाई क्या, ए प्लस बी एक्स। मिस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन जो इंपॉर्टेंट है पैराबोलिक का रहता है। तो क्वाड्रेटिक रिस्पांस ए एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। लाइनर रिस्पांस वाई बराबर ए प्लस बी एक्स। मिस्ट्रीज इक्वेशन वाई बराबर वाई प्लस ए वन माइनस टेन के की पावर एक्स होता रहता है। अब जीरो टिलेज का, जहाँ पर मतलब जीरो टिलेज होता रहता है, जहाँ पर बिना जुताई के फसलों को उगाना। फादर ऑफ जीरो टिलेज का गुलबर अब ट्रिपले यूएसए 1950। प्राइमरी टिलेज कॉम्प्लेक्स अवॉइडेड होता रहा के। सेकेंडरी टिलेज रिस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन अब ओनली कीप्स 50 से 100% ऑफ रेसिड्यूज ऑफ सोइल सरफेस बिफोर सोविंग हर्बिसाइड पेराक्विट ग्लाइफोसेट आर यूज फॉर वीड कंट्रोल टिल प्लांटिंग इज एडॉप्टेड। आगे टिल प्लांटिंग क्या इज द प्रैक्टिस इन जीरो टिलेज इंक्लूडिंग फोर ऑपरेशन। आगे डिस्कस करेंगे आपके, तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। क्लीनिंग द क्रॉप रो ओपनिंग ऑफ द सोयल इज सीड इंस्ट्रक्शन प्लांसिंग ऑफ सीड कवरिंग ऑफ सीड दैट दीज फंक्शन आर अकॉम्प्लिश्ड इन ऑन टिलेज ऑपरेशन। मिनिमम टिलेज क्या है, कैन वी डिफाइंड एज अ मेथड एनिम्ड एट रिड्यूसिंग टिलेज टू द मिनिमम नेसेसरी ऑफ इंश्योरिंग ए गुड सीड बेड रिपीट जर्मिनेशन सेटिस्फैक्ट्री क्रॉप स्टैंड इन द फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन स्टैंडर्ड इन यूएसए बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ टीलेज ड्यू टू स्लीफ राइस इन द ऑयल प्राइस इन 1964। टीलेज ऑपरेशन इन डोन ओनली द सीड बेड प्रिपरेशन कीप्स 30-50% क्रॉप रिड्यूस इन सोयल सरफेस इन इम्प्रूवेस सोयल कंडीशन ड्यू टू सीटू डिकॉम्पिजेशन ऑफ प्लांट डिसाइड्स बी कंट्रोल कैन बी डोन ऑफ हर्बिसाइड। ग्लोबल फार्मिंग क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ बर्मथ फ्रॉम द सीड्स अर्थ एब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी रिप्लेस बेक ऑफ सम एनर्जी इन इन द फॉर्म इन द इंफ्रा रेडिएशन। मेजर ग्रीन हाउस गैसेज CO2 55%, मेथेन 25%, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11%, N2O 4%। द गैस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ट्रांसमिट ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन आर रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ दिस रिफ्लेक्टेड एनर्जी फेल्स ऑन द अर्थ सरफेस इन द कीप्स इट द फार्मर दिस इज कॉल्ड ग्लोबल फार्मिंग इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट सरफेस ऑफ ग्रीन हाउस। इसका आगे डिस्कशन में रखें। इन डेवलप्ड कंट्रीज एमिशन फॉर ऑटोमोबाइल फैक्टर्स कंडीशन CFC। इन डेवलपिंग कंट्रीज डिफॉरेस्टेशन केसेस ऑफ राइज इन CO2 लेवल मीथेन गैस फ्रॉम पेडी फील्ड लाइव स्टॉक नेचुरल ऑक्साइड न्यूट्रिएंट ऑक्साइड फ्रॉम द यन बेस्ड फर्टिलाइजर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चरल। तो आप लोग क्लास को सभी दोस्तों का शेयर करते रहिए, तो आप लोगों को पूरी बुक का सोल्यूशन कराया जाएगा, क्योंकि अगली टॉपिक जो हमारी चालू है वो एग्रोनॉमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए सभी दोस्तों के पास। आगे डिस्कस करेंगे इंक्रीज ओवर ऑल टेम्परेचर और अर्थ इजी अर्थ ऑफ सरफेस। टेम्परेचर हैज इंक्रीज 1.4 फर्स्ट सेंचुरी हैज बीन द बीन परफेक्ट इन 5 Fahrenheit will rise in the next century. Cases change in the climate tremendously result in melting of rise in polar region, increased sea level resulting in the submerging of coastal areas, drought in warmer region. तो आप लोग चैनल को लाइक करते हैं सभी दोस्तों के पास, तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Okay, thank you for watching.